Hello friends, this is your host Rachit Kohal. I hope you all are fit and fine. I hope कि आप लोगों को आवाज पूरी आ रही हो, क्योंकि मैं यहाँ पे हाईवे पे खड़ा हूँ, ये देखो। और आज का जैसे जो आज का डे है, वो आज हमें ले घूमना है, तो सबसे पहला स्टॉप है हमारा हॉल ऑफ फेम। यहाँ पे जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, जो वॉर के बारे में जितनी चीज़ें थी ना, जैसे वॉर में जो जो चीज़ें यूज हुई थी वो लगाई हुई है। जैसे आगे ये जीप है, आगे आर्टिलरीज है और हेलीकॉप्टर भी रखा हुआ है। तो देखते हैं, ये खड़े सारे अपने भाई है भाई, फोटो तो ले लिए, किसी बढ़िया है जगह, देखते हैं। चलो टिकट ले लेते हैं फिर चलते हैं अंदर। तो ये है भाई हॉल ऑफ फेम, ये सारा, और बहुत और भी बहुत ज़्यादा है, बट मैंने कुछ यहाँ पे एक नोटिस करा, वो दिखाता हूँ आपको। ये देखो स्लज डॉग्स, ये देखो इसमें ना, यहाँ पे जैसे लो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती थी और हैवी स्नोफॉल होती थी, तो आर्मी ने हिमालयन जो लोकल हिमालयन डॉग्स हैं उनसे स्लज भी पुल कराया। और ये देखो एक महीने की ट्रेनिंग में स्लज डॉग्स जो थे वो कैपेबल थे दो से तीन लोगों को स्लज पे खींचने के लिए, या फिर 180 किलो का लोड लेने के लिए। मस्त चीज़ है यार, गजब चीज़ है ना। और ये देखो ये आर्मी के हेलीकॉप्टर्स छोटे दिखा रखे हैं हमको, जो जो यूज़ होते हैं। तो हम ना आपको बताते हैं, जो कारगिल की लड़ाई जो हुई थी अपनी, तो उसके बारे में यहाँ पे एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया हुआ है। बट हमें कोट मत करना इस चीज़ पर, अगर कहीं हम गलत होए। कमल आपको बताएगा क्या था, पता कमल? तो यही थी, मैं तो टाइगर हिल, हाँ, और मेन पॉइंट वो था तोलोलिंग, तोलोलिंग का वो रहा, वो तोलोलिंग, तो ये दो पॉइंट है यहाँ पे। शायद पाकिस्तान में भी यहाँ पे थी, और वो नीचे ग्रास में यहाँ पे अपने लिए, अच्छा, वो तो सर्दियों में नीचे आ गए, हाँ, इन्होंने पोस्ट पे, मतलब पाकिस्तानियों ने पोस्ट पे इधर आ गए अपने वाली पे, हाँ। तो जब भी वो ऊपर आए, मतलब जो अपने गेट वगैरह जो चलाते थे, तो उन्होंने बताया कि ये सब हो गया। तो फिर हमें पता चला था कि यहाँ पे, मतलब वो तो ऊपर थे, एल्टीट्यूड का फायदा था, तो नीचे सीधी गोलियां मार रहे थे, हाँ। तो इसलिए कोई दूसरा रास्ता शायद इधर से था, तो तब करके ऊपर गए थे। फिर पता है क्या चीज़ होती है, देखो हमारी ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती थी कि एक जब ठंड होती है तो इधर पाकिस्तान के सैनिक होते हैं, इधर इंडिया के होते हैं ना, हाँ। और वो दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से नीचे चले जाते थे जब ज़्यादा बर्फ होती थी, बट उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, जब इंडियन सैनिक नीचे गए उन्होंने यहाँ पे एक टेक ओवर कर लिया था, अपने वाली जो पोस्ट थी, जो अपनी पोस्ट थी वहाँ टेक ओवर कर लिया था, एल्टीट्यूड का फायदा था उनके पास, और वो ऊपर बैठे थे और अपने सैनिक नीचे थे, तो फिर दिक्कत हुई थी, बट फिर भी हम जीत गए। ये देखो ये पाकिस्तानी सोल्जर्स जो AK-47 और AK-56 यूज़ करते थे, वो यहाँ रखी हुई हैं जब हम जीते थे, जो हमने ये हमने जीतने के बाद कैप्चर कर ली थी। ये देखो जीत की निशानी अपनी, और इधर भी रखी हुई है। ये देखो ये कौन सी है भाई, 7mm की, ये राइफल है 7mm की, 7.62mm की, तो ये पाकिस्तानियों की थी और ये हमने कैप्चर कर ली थी, ये लिखा हुआ था सारा, ये भी पाकिस्तानियों की है ना सारे, ये सब पाकिस्तानी थे जितने अपन ने कैप्चर करे थे। और वो देखो यूज्ड एमिनेशन, ये देखो नाइट विजन, तो उनका फोन, वो उनका फोन भाई, ये क्या था, मशीन का नहीं आदि है, पर एलएमजी वो है शायद, वो ये तो स्नाइपर पाओ या नहीं, हाँ स्नाइपर है, स्नाइपर, और ये वो घोड़े फेंका है, आरपीजी रॉकेट लॉन्चर, RPG-7 है, हाँ RPG-7, तो ये सारे पाकिस्तानियों के थे भाई जो हमने कैप्चर कर लिया। और ये ऐसा टेंट हमारे पास भी, हम भी लगाएंगे अभी। नोट्स बता रखे कैसे कैसे, कौन डिफरेंट टाइप ऑफ नोट्स, नोट्स मतलब गार्ड ऐसे, ही देखो। और ये अपने सियाचिन ग्लेशियर में जो सोल्जर्स होते हैं उनकी ये ड्रेस है, यूनिफॉर्म सॉरी ड्रेस नहीं। तो भाई हम आपको सेकंड वाले चैम्बर में आ गए, अब यहाँ पे और हथियार रखे हुए जो पाकिस्तानियों के हमने कैप्चर कर लिए थे, ये मशीन गन है देखो पीछे, ये देखो, चलो कमल आगे चल दिखा, रॉकेट लॉन्चर
क्या नाम है इसका? RPG-7 कारगिल वॉर के दौरान हमने लिया था, ये कैप्चर कर लिया था ये हथियार इनके सारे। ये कौन सी है भाई? मशीन गन। और सारे वर्किंग कंडीशन में है ये, है नहीं? ये क्या चीज है? किसी को बताओ तो बताने क्या होता है। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे रात को लाइट शो होगा। और ये देखो यहाँ पे अपने फ्लैग्स लगे हुए हैं। ये यहाँ पे से हॉल ऑफ फेम है, ये म्यूजियम था। यहाँ बाहर आ गए हम। अभी हमारी सेकंड डेस्टिनेशन है लद्दाख शांति स्तूपा। ये रोड जाएगा, लिंक रोड है भाई ये, और सिटी नीचे रह गया बस अभी पहुंच के। वो रहा, वही है ना ये भाई शांति स्तूपा। लो भाई पहुंच गए हैं, अब यहाँ से ऊपर जाना है और गाड़ी पार्किंग पर लगन लग रही है। ये देखो ये रहा लद्दाख सिटी का व्यू, बहुत बढ़िया व्यू है भाई। और वो देखो उस पहाड़ पे क्या लिखा हुआ है, लैमडन। ये इधर एक चीज है, पहाड़ों पे लिख देते हैं नाम, उनके नाम पता चल जाते हैं ऊपर से। यार अभी मैं आगे पहुंचा नहीं था, बट एक चीज मैंने देखी, ये टॉयलेट देखना यार कितने, मतलब जमीन के लेवल के। माना कि ये ऐसे ही बनते हैं पर मुझे कुछ अलग लगा इसलिए बता दिया मैंने। अरे ये फोटो शूट हो रहे हैं अभी। ये देखो मॉन्क्स भी हैं यहाँ पे, वैसे मॉन्क ही रहते हैं यहाँ पे, मॉन्क्स के है ना सारा सिस्टम। और इनके ट्रेडिशनल ये छत वगैरह ऐसे बनाते हैं। चल रहे हैं, वहाँ शूज उतार दिए और अब चलो ऊपर भाई। व्यू देखो, मैं तो बार बार तुम्हें यही दिखा रहा हूँ, व्यू देखो, व्यू देखो, क्योंकि व्यू ही गजब है यार। ओ देखो भाई, एक्चुअली मैं अपना वो एक्शन कैमरा घर पे भूल गया तो मुझे फ़ोन से ही करना पड़ रहा है शूट, और इसका ट्राईपॉड भी नहीं है मेरे पास, तो कोई नहीं। सांस चट रही है पर एक काम करना, आप लोग भी वो ऑक्सीजन वाला ज़रूर ले आना, हम उसे यूज़ कर रहे हैं, अब काम आ रहा है वो। और मैं मानो एक दो दिन के लिए एक्मेंडेशन के लिए ना रुक जाना, फिर भी देखना। ये देखो भाई लद्दाख लोग ना व्यू के लिए आते हैं, थ्रिल के लिए, और वो पूरा हो जाता है। तो भाई हमने कार पार्क कर दी है, वहाँ से हम आगे थे, नाम भूल गया मैं क्या नाम था, वहाँ से आगे हम और कार पार्क कर दी है। अब जो इनका मेन बाजार है वहाँ जा रहे हैं, चलो वहाँ चलते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग होगा वो आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो यार बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, खाना खा लेते हैं। लो भाई लेह लद्दाख की मेन जो मार्केट है ये, यहाँ पर पहुँच गए हम और बस अब ढूँढ रहे हैं। मतलब बहुत सुंदर जगह है यार, और यहाँ पे कोई व्हीकल अलाउड नहीं है, पैर मतलब पैदल ही चल सकते हैं बंदे, व्हीकल वगैरह अपने बाहर पार्क करो। और अब यहाँ देख लेता हूँ मैं एक बार कि खाने का क्या मिलेगा, भूख लगने लग रही है तो कुछ खा लेते हैं। आ चुके हैं कैफे में, यहाँ पे अपने A0 का अट्टा खेलने लग रहे हैं दोनों। कौन जीता? लो भाई वापिस मैच लगेगा, देखते हैं कौन जीतेगा। 0 किसकी है, तेरी है ये काटा उसका भाई, क्रॉस मतलब क्रॉस आ चुका है। जीत गया भाई। भाई बीच में याद आया कि मैंने कहा था आपको खाना दिखाएंगे, फ्रेंच फ्राइज मंगाई थी, नहीं चिली पटेटो चाउमीन रोल वगैरह खा लिए, और बस अभी याद आया तो मैंने शूट कर लिया। चलो अब खा लेते हैं। मिक्स फ्रूट जूस था ये ख़त्म कर लिया है। अब हम ले पहले इसकी तरफ जाने लग रहे हैं, खाना खा लिया है, ये मेन बाजार है इनका, और शायद जहाँ तक मैं गलत ना हूँ तो वो वाला ले पहले से, सारा ले पहले से। तो भाई ये रास्ते है, ये घर है इनके पुराने ट्रेडिशनल घर ये है इनके, ये आगे सिटीजन से। देखो ये ले सिटी और ये ले पैलेस, और यहाँ से जाना पड़ेगा, मस्त एक्सपीरियंस है। ये देखो कैसे जाने लग रहे, रास्ता देखो आप,
यहाँ दो रास्ते थे, या तो पैदल जाने वाला, दूसरा कार वाला। एक्चुअली क्या हुआ, हमारी कार तो खड़ी थी वहाँ पार्किंग में और हम यहाँ थे ही मार्केट में, तो हमने सोचा कि ना पैदल वाला कर लेते हैं। उसके बाद हमें 8 बजे वहाँ भी जाना है, हॉल ऑफ फेम है ना जो वहाँ पे लाइट शो होगा, तो वो भी अटेंड करना 8 बजे। तो इसलिए हमने टाइम बचाने के लिए हम पैदल चल पड़े, क्योंकि बाहर से आते तो ज़्यादा टाइम लगता, कार लेके आते यहाँ से सिर्फ 10 मिनट का रास्ता था। पहले पैलेस यहाँ, पता नहीं क्या है, पेंटिंग वगैरह है शायद, पेंटिंग तो नहीं, स्केच चाहिए। तो वहाँ से एंट्री हुई है, लेट हो गए थे भाई, बिल्कुल बंद कर दिया था इन्होंने। तो ये पहले से भाई, हेलो भाई, जो लद्दाख की वाइल्ड लाइफ है स्नो लेपर्ड, ये शायद कोई गूज है शायद, पता नहीं मेरे को, ये क्रेन और ये आईबैक्स। ये देखो भाई, ये है पैलेस, ऊपर बैठे लोग यहाँ से अपना राज्य देखा करता अपनी जनता को, जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेकिन बढ़िया व्यू है यार। हेलो भाई, ले पहले से सबसे ऊपर आ गए हैं, सबसे ऊपर 9th फ्लोर है, वहाँ जा नहीं सकते, बंद कर रखे है वो, और ये 8th फ्लोर है। व्यू देख लो भाई एक बार, व्यू देख लो। और हम सोच रहे थे कि वो ले वो पहले से, बट वो नहीं है, यही है। साथियों और साथी, वांचू ने बेहद कठिन चढ़ाई वाली उन दुर्गम पहाड़ियों पे मार्च शुरू किया। सुनिए साहब, 18,000 फुट की ऊंचाई पे जाके पता चला दुश्मन हुआ पहले ही पहुंच चुका है। तो साहब तो और भी अच्छा है, ऑब्जर्वेशन पोस्ट बिना दुश्मन की लाशों के वीरान नजर आएगा ना। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा सर। वैसे भी ऐसा शुभ काम करने से पहले बलि देने की परंपरा है हमारी, देवी माँ को खुश करने के लिए कुछ सिर तो चढ़ाने चाहिए ना। हाँ हाँ सर, हमारा कुकरी ने भी बहुत टाइम से खून नहीं चखाया सर। हाँ तो आज चख लेगी। कर्नल वाई के जोशी, तत्कालीन कमांडिंग ऑफिसर, जिन्होंने 2018 में 14 कोर की कमान संभाली, इन दोनों को 0.5140 को जीत कर लाने का आदेश सुना। वॉन्ट गाइस, 0.5140 पोलोलिंग रिज लाइन की सबसे ऊंची, बेहद खतरनाक और ऑलमोस्ट इम्पेनिट्रेबल पहाड़ी है। यू नो गाइस, इट्स गोना बी वेरी वेरी टफ। टफ मेक्स इट इंटरेस्टिंग सर। नेशनल हाईवे से खतरा दूर करने के लिए उस पर कब्जा करना है ना, समझ लीजिए सर, हो गया। हम जीत की इस आस को जीत का इतिहास बना कर लौटेंगे, एंड दैट्स अ प्रॉमिस सर। कैसी लग रही है ले लद्दाख वाली सीरीज? और हाँ, इस व्लॉग की एंडिंग हो गई है। इस व्लॉग में हमने पूरा लेह सिटी देखा था, अब इसके आगे हम नेक्स्ट व्लॉग में मैं पेंगोंग लेक जाएंगे और उसको एंड कर देंगे। मैं पूरा बड़ा व्लॉग बनाऊंगा एक, तो उसे भी जरूर देखना। और इसके बाद अपने बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स जो डेली व्लॉग्स आ रहे थे वो आएंगे। और आप मुझे ये बताना, जो जो आप कह रहे थे कि मतलब चैलेंज करने हैं, सब चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सारी चीज़ें करूँगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो भाई सब्सक्राइब करो चैनल को, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, बढ़िया से 100K होने वाले हैं और उसके बाद फिर अगला माइलस्टोन लेके चलेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके, बाय बाय बाय।